कर्नाटक के कदरी मंदिर के पास मुस्लिम ट्रेडर्स पर बैन वाले बैनर पुलिस ने हटाए। कर्नाटक के कदरी श्री मंजुनाथ मंदिर के पास ऐसे बैनर देखे गए थे जिनमें मुस्लिम ट्रेडर्स को कारोबार करने से रोकने की बात कही गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पंथी संगठनों द्वारा लगाए गए इन बैनरों को मंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को हटा दिया है। कदरी श्री मंजुनाथ मंदिर के पास 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच एक मेले का आयोजन हो रहा है। इन बैनरों में ये आरोप लगाया गया था कि कुकर ब्लास्ट केस के अभियुक्त का टारगेट कदरी मंजुनाथ मंदिर ही था। इसमें ये भी कहा गया था कि जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उन्हें मंदिर के पास हो रहे मेले में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं करता है। पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये बैनर हटा दिए गए हैं और इस सिलसिले में कोई केस नहीं दर्ज किया गया है। वहीं इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी अपना पक्ष रखा है। आइए दिखाते हैं जनता के कुछ रिएक्शंस। एक यूजर लिखते हैं, अल्पसंख्यक के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात कोई नई बात नहीं है और कुछ ऐसे भी आरोप है जो उन पर आसानी से लगा दिए जाते हैं। एक यूजर लिखते हैं, ये बोर्ड लगा ही क्यों था, सिर्फ मुसलमानों की नफरत में और पूरी दुनिया में जाकर गला फाड़ेंगे कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पंक्तियां बनाकर खेल खेला जा रहा है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है भारत में। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बैनर हटा दिया, दिलों में भरा जहर निकालने का भी जुगत लगानी चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।